आज हम समझ रहे हैं रैखिक समीकरण, इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से सरल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ कार्ड्स हैं, हाँ कार्ड्स हैं, मतलब है कुछ गुलाबी लाल रंग के कार्ड हैं और नीले रंग के कार्ड हैं, बड़े हैं, और कुछ कार्ड कैसे हैं आपके पास, छोटे। तो छोटे बड़े कार्ड को हम यहाँ पे लाल वाले को धन एक्स के रूप में लेते हैं और नीले वाले को रूप में लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार से छोटा वाला जो नीला कार्ड है उसको धन एक मान के चल रहे हैं और ऋण एक मान के चल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक उदाहरण है कि 2x + 3 = 5, इसको हमको गतिविधि के माध्यम से सरल करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे हम देखते हैं। पहले हम समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास x 2x लिखा हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ पे अपन ने दो लाल वाले कार्ड लिए हैं तो 2x हो गया। इसी प्रकार से धन 3 लिखा है तो इसका मतलब छोटे वाले कार्ड का उपयोग करना है, तो ये धन 3 हो गया। बराबर से लिखा है 5, तो हम 5 छोटे लाल कार्ड का उपयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद हमको पक्षांतर करके यहाँ के जो अचर राशि है उसका पक्षांतर करके फिर हमको यहाँ पे चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ता है समीकरण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि धन 3 है तो हमको ये धन 3 जब उधर पक्षांतर होगा तो ऋण 3 के रूप में होगा, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि धन 3 है तो हम यहाँ पे क्या करें, इसकी ऋणात्मक संख्या लें, यानी 1, 2 और 3। इसी प्रकार से हमको जब एक पक्ष में ले लिए तो दूसरे पक्ष में भी लेने की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ पे अगर कोई पक्ष में 3 जोड़े हैं या अथवा घटाए हैं तो दूसरे पक्ष में भी उतनी ही संख्या को जोड़ना अथवा घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी 3 अगर घटाए तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस पक्ष में दूसरे पक्ष में से 3 घटा देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि धन 1 और ऋण 1 बराबर 0 हो गया, ये कार्ड अलग कर दिए, फिर धन 1 ऋण 1 बराबर 0, फिर धन 1 में से ऋण 1 घटा है 0 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से भी ये धन 1 ऋण 1 0 हो गया और ये धन 1 ऋण 1 0 हो गया और ये धन 1 और ऋण 1 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में राशि बची, चर राशि के रूप में यहाँ 2x बचा है और बराबर से कितने 2 छोटे कार्ड बचे हैं, इसका मतलब 2x = 2 बचा है। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं तो हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं कि यहाँ का एक कार्ड इस पक्ष के कितने कार्ड के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ एक कार्ड कितने कार्ड के बराबर है, एक कार्ड के बराबर है, मतलब इसको हमने अगर निकाल लिए तो यहाँ पे समीकरण का हल मिल जाता है, यानी एक्स बराबर क्या मिल गया हमको, एक। जब हमने समीकरण हल किए थे तो भी एक्स बराबर 1 आ रहा है। दो एक्स का मतलब है दो लाल बड़े कार्ड लगाने हैं, ठीक, और धन नहीं या ऋण 1 है, इसका मतलब कौन से कार्ड की आवश्यकता हमको, नीला, यहाँ पे ऋण 1 लिखा हुआ, यहाँ पे छोटा कार्ड लगाएंगे, 2x ऋण 1 समीकरण लिखा गया। अब हम बराबर में कितना लिखते हैं, 3, तो कौन से कार्ड उपयोग में लाएंगे अपन, लाल वाले, क्योंकि धन 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 और 2 और ये क्या हो गया 3, तो 3 कार्ड लगा दिए। अब हम इसको शून्य बनाना है ऋण वाले को, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक धनात्मक संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो कितना जोड़ना पड़ेगा ऋण 1 में, धन 1, इसका मतलब जब इसमें हम धन 1 जोड़ेंगे एक पक्ष में तो दूसरे पक्ष में भी धन 1 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ धन 1 जोड़ दिए एक पक्ष में तो दूसरे पक्ष में भी धन 1 जोड़ दिए, इसका मतलब अब समीकरण जो है इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ऋण 1 धन 1 बराबर 0 हो गया, लेकिन इस समीकरण में आप देख रहे हैं 2x बराबर कितना हो गया, ये 4। अब आप दोनों पक्षों की तुलना कीजिए, दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं आप, तुलना करने पर क्या हो रहा है, यहाँ के जो दो बड़े कार्ड हैं यहाँ के 4 छोटे कार्ड के बराबर है, तो 4 छोटे कार्ड के बराबर है, इसका मतलब एक कार्ड यहाँ के कितने कार्ड के बराबर होना चाहिए, दो कार्ड के बराबर होना चाहिए, यानी हम एक कार्ड की जगह दो कार्ड हटा लेते हैं और इस समीकरण का हल अपने क्या आ जाता है, x = (2) आ जाता है, जैसे कि आप इस समीकरण का हल देख रहे हैं।